हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि बीटेक सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस क्या क्या है। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जाकर के फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो जो लोग नए हो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपके जितने सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट वन से लेकर के यूनिट फाइव तक जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का बताया था है सोल्यूशन भी, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। अभी आप देखें कि SCI हो गया, कंपाइलर हो गया, DBMS हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का मैं जो आपको बताया था, जो पढ़ाया था, वही क्वेश्चन हो आए थे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस है सिक्स सेमेस्टर में वो आपका है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। तीसरा आपका है वेब टेक्नोलॉजी, और चौथा आपका है कंप्यूटर नेटवर्क, और पांचवा आपका है बिग डेटा, और आपका छठवां है उप्स। ठीक, तो अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये आपका है यूनिट नंबर वन, यूनिट वन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है। जो लोग नहीं जानते हो जाकर के देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके में बता रहा हूँ आप लोग को कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, यह DLC क्या होता है, यह DLC मॉडल क्या होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके क्लास आपका चल रहा है। जो लोग नहीं जानते हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जाकर के देख लीजिए। तो जिनको स्क्रीन शॉट लेना है वो यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपका है यूनिट नंबर वन। दूसरा देखिए, ये आपका है दूसरा, नेक्स्ट यूनिट थ्री सॉफ्टवेयर डिजाइन, एंड फोर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड फिफ्थ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जिनको स्क्रीन शॉट लेना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस का, वो यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला सिलेबस। अब यहाँ देखिए आपका अगला सिलेबस है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। ये आपका पहला है यूनिट। तो जिनको स्क्रीन शॉट लेना है सोसाइटी स्टेट एंड पॉलिटी इन इंडिया, वो यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट टू इंडियन लिटरेचर कल्चर एंड ट्रेडिशन, नेक्स्ट इंडियन रिलीजन फिलॉसफी, नेक्स्ट साइंस मैनेजमेंट एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। देखिए जिनको लेना है यहाँ पे स्क्रीन शॉट, वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और आपका अगला पॉइंट है, अगला यूनिट है, वो आपका है कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला सब्जेक्ट वो आपका है वेब टेक्नोलॉजी। ये आपका पहला यूनिट इंट्रोडक्शन एंड दी कोर जावा। तो जिनको यहाँ पे लेना है स्क्रीन शॉट, वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके क्लास का होगा, आपको ज़्यादा यहाँ पढ़ना नहीं है, मैं जो आपको बताऊँगा वही आपके एग्जाम में आएगा होगा। अगला पॉइंट आपका है वेब पेज डिजाइनिंग, यहाँ देखिए, नेक्स्ट फोर एंड फिफ्थ। अब आगे देखिए, ठीक, ये आपका हो गया वेब टेक्नोलॉजी। अब आगे देखिए, तो ये आपका है बीटेक सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस। इसका जो अगला PDF मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ बने रहिए, मैं आपको एक प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। वेब टेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा मैं बताऊंगा आपको। एक से लेकर के 5 मिनट तक मैं पूरा बताऊंगा आपको, और उसी में से क्वेश्चन पूरा 100% आएगा। जैसा कि आपको पता भी है कि कंपाइलर हो गया, DBMS हो गया, SCI हो गया, मैंने आपको जो बताया था उसी में से आ गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था, तो जो मैंने बताया उसी में से आ गया क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ बने रहिए, और अभी जो क्लास का लिंक है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।